हेलो, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशल ओप्स वेब सीरीज़ के रिव्यू के बारे में। हाल ही में लॉकडाउन के दौरान भारत में बहुत सारी वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई है, जिनमें से एक वेब सीरीज़ है स्पेशल ओप्स। ये कहानी हिम्मत सिंह की है और किस तरह से हिम्मत सिंह एक आतंकवादी को पकड़ते हैं उसकी है। चलिए मैं आपको पूरी डिटेल में बता दूँ। आपको पता होगा पार्लियामेंट अटैक हुआ था और उस दौरान स्टोरी यहीं से स्टार्ट होती है। पार्लियामेंट अटैक होता है, जितने भी आतंकवादी इस अटैक को अंजाम देते हैं उनकी संख्या कितनी है, जितने भी आतंकवादी इस अटैक को अंजाम देते हैं उनमें से 5 मारे जाते हैं और सभी को यही लगता है कि ये आतंकवादी 5 ही थे जिन्होंने इस पार्लियामेंट अटैक को अंजाम दिया है। लेकिन हिम्मत सिंह का कहना होता है कि नहीं, ये आतंकवादी सिर्फ 5 नहीं है, उनमें से एक और था, 6वां आतंकवादी जो कि इस पार्लियामेंट अटैक में शामिल था और वो भी दिल्ली में ही था, और वो है इन सब का अटैक। यहाँ तक कि इन सभी का नहीं, अभी तक जितने भी हमले हुए हैं, चाहे मुंबई का हम अटैक ले लें, चाहे पार्लियामेंट अटैक ले लें, चाहे और भी जितने भी हमले हुए हैं उसमें भी कहीं ना कहीं उसी का हाथ है जो कि इन आतंकवादी का हेड है और वो भी इस पार्लियामेंट अटैक में शामिल था। तो इसी को एक थ्योरी बना करके पेश करता है हिम्मत सिंह, लेकिन सभी लोग इसको सिर्फ एक थ्योरी ही मानते हैं, कोई भी नहीं मानता कि सच में कोई ऐसा 6ठा व्यक्ति भी था, यानी कि 6th पर्सन भी था जो कि इस अटैक में शामिल था और जो कि हेड था। तो 19 साल तक हिम्मत सिंह हार नहीं मानता और वो अपनी एक स्पेशल टीम बनाता है। इस स्पेशल टीम में 5 लोग होते हैं जिनको वो अलग अलग देश में भेजता है और ये 5 बंदे जो होते हैं ये इस काम को अंजाम दे पाते हैं नहीं दे पाते उस व्यक्ति को, यानी कि जो मेन टेररिस्ट जिसका हाथ होता है इन सभी के पीछे, उसको पकड़ पाते या नहीं वो आपको इस वेब सीरीज में बताया जाएगा। अब जैसा मैंने कहा कि 5 लोगों की टीम बनाता है, उसमें से एक व्यक्ति होता है फारूक जो कि उन आतंकवादियों के साथ रहता है, वहाँ पे एक एक डिटेल इंडिया में भेजता है और जितनी भी हरकतें उस गैंग में होती हैं, यानी कि जिसने अटैक करवाया था उस गैंग में होती है, उनके साथ साथ स्टेप बाय स्टेप वो खबर इंडिया में पहुँचाता रहता है। यहाँ पर स्टोरीज जो है वो 3 प्लॉट में चलती है। एक प्लॉट होता है जहाँ पे हिम्मत सिंह इंडिया में बैठ के अपने 5 जो उसने एजेंट भेजे होते हैं फॉरेन में, उनकी एक एक डिटेल रखता है और उनसे एक एक डिटेल निकलवाता है और इंडिया में अपने पास लेता है और फिर उन सभी से काम करवाता है। दूसरा प्लॉट चलता है जो कि हिम्मत सिंह का एक सहायक पुलिस ऑफिसर होता है जो कि हिम्मत सिंह को इंडिया में सारी हेल्प करता है, उनकी फैमिली से लेकर और इंडिया में, यानी कि वो पुलिस का डिपार्टमेंट में काम करता है। और तीसरा प्लॉट चलता है हमारा फैमिली का। जी हाँ दोस्तों, हिम्मत सिंह और उसकी फैमिली के बीच क्या नोकझोंक चलती है, उनका जो एक हमें इक्वेशन बताई गई है वो तीसरे प्लॉट में हमें दिखाई देती है। अब अगर मैं बात करूँ इसके कुछ पॉजिटिव की कुछ नेगेटिव्स की, तो चलिए शुरू कर देते हैं। तो पहला नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पे नरेश चड्ढा और DK बनर्जी का। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों वो लोग हैं जब हिम्मत सिंह अपनी 5 लोगों को, यानी 5 ऐसे उसके जासूस होते हैं जिनको वो बाहर के देशों में भेजता है, उनका खर्च आता है और काफ़ी सारे करोड़, यानी कि 20-25 करोड़ वो खर्च कर देता है उसी टास्क के लिए, यानी कि उसी प्रोजेक्ट के लिए, जिसके लिए नरेश चड्ढा और DK बनर्जी की इनकी 2 की एक टीम होती है जो कि इन्वेस्टिगेशन लेती है, हिम्मत सिंह की इन्वेस्टिगेशन लेती है और उनसे निकलवाती है कि भाई तुमने इतने पैसे जो है वो कहाँ पे लगाए, ये इंडियन गवर्नमेंट के पैसे हैं, ये तुमने लगाए तो लगाए कहाँ पे और इतने करोड़ वो भी कहाँ पे। अब यहाँ से एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि जो कि नरेश चड्ढा और DK बनर्जी हैं, उनका किरदार हमें ऐसा बेवकूफ़ों वाला दिखाई देता है कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। देखिए, एक डायलॉग या इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब ये दोनों पूछते हैं हिम्मत सिंह से कि भाई तुम मुझे अपने जो है जो 5 लोग तुमने भेजे हैं उनके बारे में कुछ बताओ, तो हिम्मत सिंह मना कर देता है कि देखिए मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता, ये एक सीक्रेट मिशन है। तो फिर वहाँ पे अगर हम देखें DK बनर्जी, तो वो नरेश चड्ढा से पूछता है क्या ऐसा भी कुछ रूल है कि नहीं बता सकते, यानी कि इतने डम वो दोनों दिखाए गए हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। उस तरह से डम मुझे नहीं लगता कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने वाले इतने डम होते हैं कि जिन्हें रूल्स भी अपने पता नहीं होते क्या सही रूल है और क्या गलत रूल है, वो मुझे काफ़ी नेगेटिव लगा। दूसरा बात करूँ तो इंट्रोडक्शन, जहाँ दोस्तों पहले के अगर हम देखें तो उन 5 लोगों की जो कि इन्वेस्टिगेशन के लिए जो कि जासूस उन्होंने इंडिया ने 5 जासूस बाहर भेजे हिम्मत सिंह ने, उनकी इंट्रोडक्शन करने में काफ़ी टाइम लगवा देते हैं। कम से कम 2 एपिसोड या 3 एपिसोड तो स्टार्टिंग के इसी में लग जाते हैं कि उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है, वो लोग जो है उनकी इंट्रोडक्शन कैसी है और वो क्या है, उनमें क्या क्या स्किल है, वो सब कुछ दिखाने में कम से कम 2 एपिसोड लगा देते हैं, जो मुझे लगता है इनकी जो इंट्रो है वो थोड़ी शॉर्ट करके दिखाई जा सकती थी, जिससे जो है एपिसोड क्रिस्प और ज़्यादा हो जाते। तीसरी बात करूँ
तो फाइटिंग सीन्स, फाइटिंग सीन्स इसमें दिखाए गए हैं जब ये पांच जो लोग होते हैं जो कि इंडिया से भेजे गए हैं जासूस बाहर हिम्मत सिंह के द्वारा। अब एक जगह दिखाया जाता है कि इन्हें हिम्मत सिंह चेक करते हैं कि ये अपना टास्क करने के लिए रेडी भी है या नहीं, तो उनसे वो फाइट करवाते हैं और अपने ऐसे लोगों को पैसे देके उनके साथ लड़ने के लिए भेज देते हैं। लेकिन जो वहाँ पे पैसे देकर वो लड़ने के लिए लोग जाते हैं, वो फाइट बिल्कुल अजीब सी दिखाई देती है, ना ही वो फाइट में कुछ दम है, ना ही वो फाइट कोई रियल दिखाई देती है। यानी कि वो मुझे नहीं लगता वो सीन्स ही डालना वो ज़रूरी था, अगर वो वाला सीन वो काट भी देते तो मुझे लगता इस वेब सीरीज़ में कोई खास डिफरेंस आता। नेक्स्ट पॉइंट है पावरफुल विलन। जी हाँ दोस्तों, जब भी किसी भी मूवी या वेब सीरीज़ की बात आती है तो विलन उसमें से मेन होता है। अगर विलन आपका पावरफुल नहीं है तो कहीं ना कहीं वेब सीरीज़ भी आपको फीकी लगती है, मूवी भी फीकी लगती है। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि विलन बहुत ही पावरफुल है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि इसमें आतंकवाद जो दिखाया गया है उसको रेगुलर, जैसे हम देखते हैं इंडियन हमेशा मूवीज़ में सीरियल्स में हमें दिखाया जाता है कि वो गरीब है तब वो आतंकवादी बना, या फिर उस पर कोई अत्याचार हुआ है तब वो आतंकवादी बना, या फिर वो पढ़ा लिखा नहीं है तब वो आतंकवादी बना। तो यानी कि कुछ ना कुछ उसके पास एक्सक्यूज़ है तभी वो आतंकवादी बना, अदरवाइज वो आतंकवादी नहीं बनता। लेकिन इस वेब सीरीज़ में दिखाया गया साफ साफ कि ज़रूरी नहीं है कि आतंकवादी गरीब ही हो, आतंकवादी जो है अमीर भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आतंकवादी जो है वो दिमाग से कमज़ोर हो और उसको उसका किसी ने यूज़ किया गया, नहीं, आतंकवादी दिमाग से भी कमज़ोर बहुत तेज़ हो सकता है, और आतंकवादी अगर हम देखें तो फाइटर भी ज़बरदस्त हो सकता है जिस तरह से इस वेब सीरीज़ में दिखाया गया है। साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो आतंकवादी इसमें बिल्कुल अलग हटके दिखाया गया, जिस तरह से आज तक हमें आतंकवादी को दिखाया जा रहा था मूवीज और सीरीज़ में। तो आतंकवादी इसमें दिमाग वाला भी है, आतंकवादी लड़ने में भी बहुत आगे है, आतंकवादी का पैसा भी है, मशहूर भी है और करोड़पति भी है, बिजनेसमैन है। तो यानी कि आतंकवादी का जो इसमें हमें मेन विलन दिखाया गया है वो बहुत ही पावरफुल है, जो कि इस वेब सीरीज़ के साथ एक बहुत ही मेजर प्लस पॉइंट है जो कि लास्ट तक आपको बहुत ही सस्पेंस में डाले। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूँ तो वो है इसका सस्पेंस और थ्रिलर। आप पहले एपिसोड, दूसरे एपिसोड, तीसरे एपिसोड में आपको कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे और अच्छे से आपको बताया जाएगा कि वेब सीरीज़ में हो क्या कह रहा है। लेकिन उसके बाद जब फारूक अपना मेन मिशन स्टार्ट करता है, उन आतंकवादियों के साथ रहता है, उनके बीच रहता है, कैसे कैसे वो वहाँ पर काम को अंजाम देता है, वो जब आप देखोगे तो आप अपने सीट की एज पे बैठ के वो वेब सीरीज़ देखोगे, और लास्ट एपिसोड तो यहाँ तक पहुँच जाएगा कि आपकी सांसें रुकनी भी बंद हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त सस्पेंस है, और एक सस्पेंस तो ऐसा है जिसको आप देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। तो इस काम में भी मुझे ये वेब सीरीज़ बहुत ही सॉलिड लगी, बहुत ही अच्छी लगी। तो जैसा मैंने कहा, सस्पेंस ज़बरदस्त है, थ्रिल फील बहुत अच्छी देता है। अगर बात करूँ इस विलन की, विलन भी इसमें ज़बरदस्त है, और कहीं ना कहीं आपको कोई भी ऐसी खास चीज़ नहीं इसमें दिखाई देती जो कि ओवर द टॉप हो। हालांकि जैसा मैंने कहा, थोड़ी बहुत फाइटिंग में कमी थी, थोड़ी बहुत अगर आप देखें तो कैरेक्टर्स एक दो ऐसे थे जहां पे मुझे लगता है डायरेक्टर अच्छे से नहीं दिखा पाया, या फिर इस मूवी को उतना अच्छे से उन कैरेक्टर्स को नहीं दिखा पाया। जैसे मैंने आपको कहा, दो जो कि इन्वेस्टिगेशन हिम्मत सिंह की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आते हैं कि तुमने पैसा जो है यूज़ कहाँ किया, तो वो सब मुझे लगता है वो दो बंदे जो थे वो थोड़ा वीक इस वेब सीरीज में हमें दिखाई दिया। अगर मैं बात करूँ एक्टिंग की, तो बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग है, सबने अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाया है, पुलिसमैन से लेकर हिम्मत सिंह से लेकर पांच जासूस जो भेजे थे उनसे लेकर, और आतंकवादी का जिन्होंने कैरेक्टर निभाया, हर एक ने बहुत ही अच्छा काम किया है। डायरेक्शन में भी ज़बरदस्त काम किया गया है, और अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी ऐसे शॉट्स भी हैं जो कि आपको काफ़ी नए, काफ़ी न्यू दिखाई देते हैं, जो कि आपको इस वेब सीरीज़ के साथ एक नयापन ऐड करते हैं। तो मुझे लगता है डायरेक्शन भी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। नेक्स्ट कैरेक्टर्स। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी जितनी भी इसमें हमें छोटे रोल में हो चाहे बड़े रोल में हो, हमें जितनी भी कैरेक्टर्स इसमें यूज़ किए गए सभी टैलेंटेड दिखाई दिए और सभी प्रोफेशनल एक्टर थे। ऐसा नहीं कि ये छोटा सा कैरेक्टर है, किसी को भी उठा लो और एक्टिंग करवा दो, नहीं, ऐसा नहीं था। छोटे से छोटा अगर आप कैरेक्टर भी इसमें देखेंगे, चाहे वो छोटा गुंडा या छोटा मामले से आतंकवादी ही कोई ना कोई हो, उसने भी अपना किरदार जो है इसमें काफ़ी अच्छे से निभाया है। तो वेब सीरीज़ अगर हम खासकर देखें तो उसमें अगर एक एक जितने भी पार्टिसिपेंट, जितने भी एक्टर्स हैं, अगर एक एक कैरेक्टर अपना कैरेक्टर अच्छे से निभा रहे हों तो वेब सीरीज़ में हमें बनाए रखने में काफ़ी मदद करता है, और ये वेब सीरीज़ भी बिल्कुल भी निराश नहीं करती। कुछ प्लस पॉइंट जो मैं खुद एक और ऐड कर दूँ, वो था मुझे जो रिलेशन, फैमिली रिलेशन इसमें बताया गया है, हिम्मत सिंह, उनकी वाइफ, वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। कहीं ना कहीं इस तरह से जो कि एक थ्रिल सस्पेंस वाली वेब सीरीज़ होती है, उसमें एक एंगल जो है
रियलिटी को टच करने वाला एंगल हमें दिखाई देता है, जहाँ पे हिम्मत सिंह और उनकी पत्नी की जितनी भी कन्वर्सेशंस होती हैं, जितना भी उनके बीच हमें वेब सीरीज़ में दिखाया गया है, वो भी आपको एक फ्रेश फील करवाता रहता है। अगर मैं बात करूँ इसमें हिम्मत सिंह की लड़की की, तो कहीं ना कहीं उनका कुछ ज़्यादा कैरेक्टर एक्सप्लोर नहीं किया गया और उनके डायलॉग भी मुश्किल से 2 या 3 पूरी वेब सीरीज़ में थे। हालांकि हमें वो वेब सीरीज़ में देखने को ज़रूर मिली, लेकिन उनके खास ऐसे कुछ डायलॉग दिखाई नहीं दिए। और इसमें हिम्मत सिंह जो है अपनी लड़की के पीछे पुलिस लगवा के रखता है या उनके उसकी हमेशा देखता रहता है कि वो कहाँ है कहाँ नहीं, लेकिन खास हमें कुछ इतना पार्टिसिपेट नहीं देखने को मिला हिम्मत सिंह की लड़की का, वो भी थोड़ा एक अजीब सा था। अगर मैं बात करूँ रेटिंग की, तो इस वेब सीरीज़ को मैं 5 में से 4 स्टार डेफिनेटली दूंगा और आप सभी को कहूँगा कि मस्ट वॉच वेब सीरीज़ है, इस वेब सीरीज़ को आप ज़रूर देखिएगा। और हाँ, रिकमेंड करें कि नेक्स्ट कौन सी वेब सीरीज़ मैं देखूँ और रिव्यू करूँ। इसी तरह मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।